अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ने से पहले हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज में हम नेटवर्क किसको कहते हैं। तो व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयर इंफॉर्मेशन और रिसोर्स ईच अदर इज कॉल्ड ए नेटवर्क। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, हम उसको नेटवर्क कहते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने एक सेंडर है, एक रिसीवर है। एक सेंडर जब सेंड इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है, तो हम इसको एक नेटवर्क कह सकते हैं। या दो, इसमें हम मैंने दो बनाए हैं, या दो से ज्यादा जब आप उसमें इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर करते हैं, हम उसको नेटवर्क कहते हैं। तो अगर आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा, तो यहाँ मैंने पीपल और नोड्स लिखा है। तो यहाँ पीपल की जगह, कुछ भी हो सकता है, लाइक टू ऑफिसेस या टू बैंक्स और टू स्कूल्स। तो गर्ल्स, जब दो ऑफिस या ग्रुप ऑफ ऑफिस या दो बैंक या ग्रुप ऑफ बैंक या दो स्कूल या ग्रुप ऑफ स्कूल आपस में इंफॉर्मेशन और हम आपस में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, हम उसको नेटवर्क कहते हैं। हम उसको ऑफिस नेटवर्क कहते हैं, हम उसको बैंक नेटवर्क कहते हैं, हम उसको स्कूल नेटवर्क कहते हैं। तो हम इसको एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ये नेटवर्क अच्छे से समझ आ जाएगा। नेटवर्क टर्म समझने के लिए मैंने स्कूल ऑफिस की एग्जाम्पल ली है। इसमें हम देखेंगे कि जो स्कूल ऑफिस होता है, ये किन किन ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है। तो जैसे मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाई है, मैंने स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स की डायग्राम बनाई है। जो स्कूल ऑफिस होता है, ये जाडियो ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है, जूनल एजुकेशन ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है। तो ये स्कूल ऑफिस और जाडियो ऑफिस जो है, ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और जो जडियो, जो जूनल एजुकेशन ऑफिस होता है, ये कनेक्ट होता है चीफ एजुकेशन ऑफिस के साथ। तो ये दो ऑफिसेज आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। और सीओ ऑफिस डायरेक्शन ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है, तो ये आपस में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो हर कोई स्कूल, किसी ना जो भी स्कूल हो, स्कूल ऑफिस होता है, ये किसी ना किसी जूनल एजुकेशन ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है। और हर कोई जूनल एजुकेशन ऑफिस जो है, वो सीओ ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है। और हर कोई सीओ ऑफिस जूनल डायरेक्शन ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है। तो ये ऑफिस का एक नेटवर्क बनता है, इसको भी हम एक नेटवर्क कह सकते हैं। ऑफिस नेटवर्क, स्कूल ऑफिस नेटवर्क या एजुकेशन ऑफिस जो होते हैं उनका एक नेटवर्क है। तो कंप्यूटर ये एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में ये बहुत सारे नोड्स जो है, ये डिफरेंट नोड्स जो है, ये आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। दो लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, वो इंफॉर्मेशन को, तो कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर नेटवर्क में भी वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी नेटवर्क टर्म को समझने के लिए कि कैसे बहुत सारे ऑफिसेज आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और इस जो ये बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑफिसेज होते हैं, कैसे ये एक नेटवर्क बनाते हैं, ऑफिस का एक नेटवर्क बनाते हैं। तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है। ये जो डिफरेंट नोड्स है, इन नोड्स की जगह कंप्यूटर्स होते हैं, इन नोड्स की जगह डिवाइसेस होते हैं, लाइक स्विच होते हैं, हब्स होते हैं, डिफरेंट हब्स होते हैं, राउटर्स होते हैं। और इनको कनेक्ट करने के लिए मीडियम्स होते हैं, लाइक वायर्ड मीडिया होता है, जो टेलीफोन लाइंस होती है, या वायरलेस होता है, तो उसमें वाईफाई आता है, ब्लूटूथ आता है, और भी बहुत सारे इंफ्रारेड आते हैं, तो और भी बहुत सारे जो वायरलेस मीडियम्स है इसमें आते हैं। तो वो बहुत सारे डिवाइसेस या कंप्यूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क, जब भी दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर और डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन शेयर
इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क समझने के लिए मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में मैंने बहुत सारे कंप्यूटर्स बनाए हैं और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है वाया दिस डिवाइस। तो ये एक नेटवर्किंग डिवाइस बनाया है मैंने, स्विच। तो इस डिवाइस की जगह और भी डिवाइस हो सकते हैं, लाइक राउटर है, राउटर भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, वो भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है, या हब भी हो सकता है। तो ये आपस में, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो डिफरेंट कंप्यूटर्स मैंने इस पे बनाए हैं, ये इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। लाइक अगर इसके पास कोई फाइल है तो वो फाइल ये भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो ये भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो हर कोई जो इस नेटवर्क में, अगर एक के पास कोई फाइल है इस नेटवर्क में, जो बाकी कंप्यूटर है उसको यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हैं। तो अब है रिसोर्सेज की बात, की रिसोर्सेज कैसे शेयर हो सकते हैं एक नेटवर्क में। अगर इसके पास एक प्रिंटर है, अगर इसके पास एक प्रिंटर है लेकिन इसके पास नहीं है, अगर ये वाला कंप्यूटर इस प्रिंटर को यूज करना चाहता है, इसके पास प्रिंटर नहीं है और इसके पास प्रिंटर है तो इसको यूज करना चाहता है, तो ये इस प्रिंटर को भी यूज कर सकता है। तो इसके पास जो ये वाला कंप्यूटर है, इसके पास एक रिसोर्स है प्रिंटर, तो ये वाला कंप्यूटर या इस नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर इस प्रिंटर को शेयर कर सकता है, इस रिसोर्स को शेयर कर सकता है। तो ये एक नेटवर्क बनता है। इस नेटवर्क में ये इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज को भी